अभी सुबह के हो रहे हैं 5:15 और मैं उठ चुकी थी 5 बजे अपना फ्रेश अप होने के बाद। मैंने यहाँ पे देखा दांत में ना सही में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था मेरे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और उठ चुके होंगे आप लोग। अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और लाइक भी कर दीजिएगा साथ में। मेरे ना यहाँ पे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। तो चलो फ्रेश अप होने के बाद मैं गई थोड़ा छत में। आप सुबह का व्यू देख सकते हो, सन्नाटा छाया हुआ है। अभी मैं वॉक करने नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था बाग वाग लगा हुआ है, तो भाई मुझे बाग से डर लगता है। और मैं आपको मंसूरी दिखाऊं, ये देखो ये है मंसूरी। वाह, कितना प्यारा लग रहा है ना, दूर से ही अच्छा लगता है पता है ऐसी चीजें। तो मैं अपने छत में आई हुई थी, मैं भी आई थी और वहाँ पे हमारा शेर भी आया हुआ है। नहीं, ये असली का शेर नहीं है। तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली थी। वैसे तो मुझसे होती नहीं है पर कोई बात नहीं, मैंने कर ली थी और जैनी भी मेरे साथ ही था। सुबह मैं वॉक करने नहीं जा सकती थी तो मैंने सोचा छत में ही आके अपने हाथ पैर को थोड़ा बहुत हिलाया जाए। पता है हाथ पैर हिलाने के बाद बहुत दर्द होता है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं की थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी और दांत में भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो सोचा आज तो मैं कैसे भी करके उठ ही जाऊँ और जो है कि अपनी एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर लूँ। यहाँ पर मेरे को एक दो ही एक्सरसाइज आती थी। और बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, आजकल ठंड ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक दो बीच में ना गर्म होने लग गया था तो अब ठंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग गई भाई। तो यहाँ पे बज गई थी 6 पूरे 20-25 मिनट, आधे घंटे के थोड़ा ज़्यादा करने के बाद मैं आ गई थी अपने बेड पे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने बेड ठीक कर लिया था और टाइम भी यहाँ पे 6 बजने ही वाले थे। हाँ, 6 बजने ही वाले थे और मैं अपने लिए ग्रीन टी लेके आ चुकी थी और जेनी भी यहाँ पे बैठा हुआ था नीचे पे, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है इसलिए मैंने उसे बाहर नहीं रखा। तो चलो फटाफट से अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं। 6 से 9 का स्लॉट है पहला। तो यहाँ पे मैंने पहले जो मैंने कल के शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो मैं उसको मैं एक एक नज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों ने भी बनाए होंगे। तो उसमें एक एक नज़र लगा देती हूँ, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उसमें, पर ऐसे है कि एक एक नज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमारे माइंड में थोड़ा बहुत रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट लॉट जैसे तैसे कम्प्लीट कर लिया था। जैसे कि मैंने बताया था कि अपना जो सेम जो मैंने कल वाला टाइटल डाला हुआ था उसमें मैंने लिखा था कि टाइम चुराना पड़ेगा। तो दोस्तों बात तो एकदम सही है, उस वीडियो में मैंने बताया नहीं था, टाइटल ने मैंने बाद में डाला था। तो टाइम को ना हमें चुराना पड़ता है। अगर आपको अपन पढ़ना है, कुछ करना है, तो अपनी नींद से टाइम चुराओ। अगर आप कुछ काम कर रहे हो उसमें अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो उससे अपना टाइम चुराओ। फालतू तो अगर आप घूम रहे हो तो उससे अपना टाइम चुराओ और अपना पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि यही एक समय है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। 25 साल मेहनत करने के बाद हम 25 साल अपनी ज़िंदगी के आराम से काट सकते हैं खुशी खुशहाल। और जिसने इस 25 साल में, जो स्टार्टिंग के 25 साल है उसमें मेहनत नहीं की, अपने ऐसा आराम से घूमे फिरे, तो आने वाला जो 25 साल है ना उसमें हमें बहुत कष्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कमाएंगे उस लास्ट में जो 25 साल है ना उसमें ही खाते हैं। बाकी तो वैसे आप सभी लोग समझदार ही हैं, बस ये है कि पढ़ने की ज़रूरत है सभी को। मैं भी बस आप लोगों के साथ ही पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ ये सब शेयर करना। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई कैसी चला रहे हो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ बता देना। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपना स्लॉट जो है कि कंप्लीट कर लेती हूँ। आज मैंने शायद दूसरा लेसन, कौन सा लेसन निकाला होगा मैंने आज मैंने एक कोई और लेसन निकाला है, उसको कंप्लीट करने का सोचा था। तो चलो देखते हैं क्या होता है आज। तो अभी सुबह के 9:15 हो चुके हैं और मेरा फर्स्ट लॉट जो है कि कंप्लीट हो चुका है। बाहर भी बहुत उजाला आ गया, आप देख सकते हो। वाह वाह वाह, धूप तो इतनी बढ़िया आई हुई है ना। और आज मैंने नाश्ते बनाया है, ग्रीन टी और रोटी और चटनी बनाई हुई है। मज़ा आ गया यार खा के। और बाहर भी मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, आप देख ही सकते हो। आज तो धूप इतनी बढ़िया आई थी ना कि क्या ही बताऊँ। पूरे दिन भर का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा थक चुकी थी और मेरे को मन भी नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। तो मैंने रात का खाना वाना बना लिया था, रोटी वोटी बना दी थी और किचन वगैरह अपना साफ़ कर लिया था, क्योंकि दिन भर से ब्लॉग बनाया नहीं। तो सोचा फटाफट से रात का खाना बनाने के बाद ही पढ़ा जाए। तो आज मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब सी थी इसलिए मन भी नहीं कर रहा था ब्लॉग भी बनाने का। और फटाफट से मैंने खाना खाने के बाद, टाइम हो चुका था 8:15, 8:15 हो चुकी थी और लाइट भी मैंने खोली हुई थी नहीं थी। और मेरी ड्रेसिंग की जो लाइट है मैंने वही खोली हुई थी, वो वाली लाइट नहीं खोली थी। अगर मेरे को पढ़ना होगा तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो है कि मेरे
पढ़ लूँगी, और जो मैंने इस बुक में हाईलाइट किया हुआ है ना वही आज पढ़ूंगी। आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ने वाली क्योंकि मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब हो रही है, मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का, आँखों में पीली सी लगती है। और मैंने सोचा आज इसी लाइट में पढ़ लिया जाए, अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगी, बड़ी वाली लाइट नहीं खोलती। तो जो मैंने ये छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं इन्हीं को पढ़ लेती हूँ। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जेनी भी यहाँ पे सोया हुआ है। तो दोस्तों लाइक प्लीज़ कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच आप एंड तक मेरी वीडियो में बने रहे। तो चलो मिलती हूँ आपको बाद में, ठीक है? तो ये पढ़ लेते हैं पहले यार, फिलहाल पता नहीं नींद आएगी कि नहीं, मतलब पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं तो बस ऐसे ही टाइम, क्योंकि 8:30 हो रहा तो मन भी नहीं कर रहा सोने का, पर क्या करें जब तबीयत खराब थी तो सोना ही पड़ता है। चलो बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू गाइस, बाय बाय।